क्या बात है जी, जबरदस्त, क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे अल्लाह ताला की रहमत करम से। दोस्तों इस वक्त मैं आर्ट रूम में ठहरा हुआ हूँ दानिश स्कूल बॉयज़ हासिलपुर में, और माशाल्लाह हमारे जो बच्चे हैं, जो क्रिएटिव बच्चे हैं, इस वक्त आर्ट रूम के अंदर एक प्रोजेक्ट को कम्प्लीट कर रहे हैं। और वो प्रोजेक्ट जो है मूविंग थिंग्स के ऊपर है कि जो चीज़ें हमारी रियल लाइफ के अंदर, हमारे काम के अंदर यूज़ में आती हैं, उनको कैसे हम लोग देखते हैं और वो कैसे नज़र आती हैं। बच्चों ने क्रिएटिव अंदाज़ के अंदर इसको बनाया हुआ है, और ये प्रोजेक्ट आगा खान यूनिवर्सिटी है, आगा खान का प्रोजेक्ट है। उस प्रोजेक्ट के सिलसिले में ये थर्ड प्रोजेक्ट है जो कि बच्चे माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे हैं। ये मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं, और ये प्रोजेक्ट भी माशाल्लाह नज़र आ रहे हैं। और ये प्रोजेक्ट किस तरह है, कैसे हैं, इनका जो है प्रोजेक्ट नेम, डिटेल्स, ये सारी बच्चे हमें बताएंगे। मैं इनसे ज़रा पूछता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि ये प्रोजेक्ट माशाल्लाह कैसे हैं। तो चैनल पे अगर न्यू है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। तो चलें जी, मैं आपको बच्चों से मिलवाता हूँ और प्रोजेक्ट की डिटेल्स बताता हूँ। इंशाल्लाह। ये क्या बनाया जी आपने? ये सर हमने ट्रक बनाया। अच्छा, ट्रक ट्रक बनाया है माशाल्लाह। ये देखें, ये वाला ट्रक बहुत अच्छा है। और ज़रा नीचे वाला दिखाओ। ये हमारा प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट के लिए। अच्छा, कि प्रोजेक्ट नेम क्या है आपका जी? मूविंग आर्ट। मूविंग आर्ट। मूविंग मूविंग आर्ट। अच्छा, इसका क्या मतलब होता है जी? सर चलते फिरते हमने फ्रॉग देना है, यानी कि मैसेज देना है कि किस तरह हमने अपनी लाइफ में जो रियलिटी को शो करने के लिए मैसेज दे। अच्छा, उस रियलिटी को शो करने में क्या क्या चीज़ें आपने बनाई हैं? पेंटिंग बनाई है, ड्राइंग्स बनाई है, डिज़ाइन का इस्तेमाल करते हुए रियलिटी को शो किया, पॉलिसी का इस्तेमाल किया। अच्छा, हर ट्रक के पीछे एक मैसेज भी लिखा है। ये एजुकेशन के बारे में भी वैसे फनी भी है। मैसेज में क्या लिखा हुआ है? तू चलते मैं आया, छोड़ा मां के लगे थे। अच्छा, दिखाओ जरा क्या मैसेज लिखा हुआ है जी। दूसरा, ये तो दूसरा लिखा हुआ है। उताबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। क्या बात है, ये तो हारन दो रास्ता लो। हाँ, अच्छा, और ये क्या बनाई हुई है? अच्छा, फाइल दिखाओ खोल के जरा बेटा। इन फाइल्स में क्या है जी, इस सामने करें। डिजाइन वगैरह बनाया, डिजाइन बनाया। अच्छा, माशाल्लाह जी, जबरदस्त हो गया जी डिजाइन। और ये क्या बनाया आपने? मिसाइल है सर। मिसाइल है। अच्छा, ये इससे सर पहले एक प्रोजेक्ट था, उसका भी बनाया है। अच्छा, ये देखें, ये माशाल्लाह आर्ट रूम है हमारा दानिश स्कूल बॉयज हासिलपुर का। आर्ट रूम देख लें जी, माशाल्लाह कितना जबरदस्त आर्ट रूम है। ये देखें जी, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये बच्चे माशाल्लाह अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहे हैं। ये देखें, ये वाला बच्चा भी माशाल्लाह अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहा है। और ये वाला ट्रक भी देख लें, ज़बरदस्त बेटा, अमानत, दयानत, ज़बरदस्त। ये मैं आपको शराफत, शराफत, क़ियादत, रोशनी। ये देखो, ये वाला सामने करो ज़रा, सीधा करो ये वाला। ये बच्चे ने बहुत मेहनत की। क्या बात है जी, ज़बरदस्त, क्या बात है, ज़बरदस्त। ये देखें जी, ये माशाल्लाह, ये हमारे 8th क्लास के बच्चे हैं सारे, 8th और 7th क्लास के। एम आई राइट? यस सर। ठीक है, ये देखें, ये सारे प्रोजेक्ट। हाँ जी, आप क्या बना रहे हैं जी? अभी आप कंप्लीट हो रहे हैं आपका? यस सर। चलें जी, आप बनाएं। ये देखें, ये ज़रा सामने देखें जी, ये देखें जी, ये माशाल्लाह, ये देखें, ये वाली। हाँ, इधर से लाइट का इफेक्ट नहीं पड़ रहा सही तरीके से। ये देखें, हाँ, वो आ रही है, सारी के सारी आ रही है, ज़बरदस्त हो गया जी। ये ऊपर फैंस वगैरह को न्यूज़पेपर लगाए हो ताकि इनके अंदर जो मैल वगैरह होती है वो इकट्ठी ना हो, ये सारे के सारे। और ये हमारी प्रोजेक्ट दिखाओ बेटा। ये आगा खान यूनिवर्सिटी की तरफ से हमारे लिए प्रोजेक्ट आया हुआ है, और ये 6 लेकर 8वीं क्लास तक के बच्चों के लिए है। ठीक है, टोटल कितने प्रोजेक्ट्स थे? टोटल 7 थे, जिसमें से हमने 3 किए हैं। 3 कर लिए हैं, और बाकी जो 4 हैं वो अभी पेपर्स के दिन है, इसलिए सर ने मौखर कर दिए हैं, पहले 3 करके वो ही सबमिट कराने हैं। अच्छा, चलें जी। जी माशाल्लाह, ये हमारे स्टूडेंट्स हैं दानिश स्कूल बॉयज़ हासिलपुर के, जिन्होंने ये माशाल्लाह अपनी मेहनत से, ये देखें जी,
इतने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं, ज़बरदस्त। वेल डन बॉयज, वेल डन स्टूडेंट्स। थैंक यू सर। सर ये लास्ट, ये दिखाएं जी बेटा, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। हाँ ये कश्मीर डे के लिए, माशाल्लाह जी। ज़बरदस्त, तो दोस्तों ये था हमारा प्रोजेक्ट जो कि बच्चों ने रिप्रेजेंट किया है। माशाल्लाह बहुत अच्छा काम बच्चों ने किया होता आपने देखा, और ये हमारे मुस्तकबिल के बच्चे हैं जो कि माशाल्लाह स्टडीज़ में भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, A+ ग्रेड्स लेते हैं। और यही बच्चे जब इनको अदर एक्टिविटीज़ के अंदर हम लोग इन्वॉल्व करते हैं, लाइक डिबेट्स के अंदर, स्पोर्ट्स के अंदर, कोकरिकुलर एक्टिविटीज़ के अंदर, तो माशाल्लाह इधर भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो अभी आपने देखा आर्ट का वर्क इन्होंने बहुत अच्छा किया, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मेरी आज की वीडियो है आपको अच्छी लगी होगी, बच्चों का क्रिएटिव वर्क अच्छा लगा होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, बच्चों का काम अच्छा लगा है, तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। और इससे क्या होता है कि आपको एक आपकी इन्फॉर्मेशन में भी इजाफा होता है, आपको फ़ायदा होता है। अगर आपको फ़ायदा होता है तो डेफिनेटली वीडियोस को आपको लाइक करना चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए ज़ुबैर शाह को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।